खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में शिवपाल सिंह नशा मुक्ति सेवा संस्थान व आत्म संतुष्टि मिशन के संचालक समाज सेवी अधिवक्ता राजवर्धन सिंह राजू को महाराज नागपुर जनपद में महिमा बहुउद्देश संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। संस्था ने यह सम्मान उनके द्वारा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराए जाने के अलावा गरीब आशाय की बेटियों की शादी कराने, निराश्रित वृद्ध लोगों की सेवा करने तथा आशाय वार निराश्रित बीमार लोगों की सेवा करने के लिए प्रदान किया गया। महिमा बहुउद्देश सामाजिक संगठन के अध्यक्ष शीतल पटेल, स्मृति राघव बरखा, सांगली साहू, नगर सेवक आशा देशमुख, अन्ना भाव पाटिल, सामला नायडू के द्वारा सम्मानित किया गया। नागपुर महाराष्ट्र में आज महिमा बहुउद्देशी संगठन ने जो है अवार्ड फंक्शन आयोजित किया था। इसमें सोशल वर्कर्स को बुलाया था, जो समाज के लिए जो लोग काम करते हैं उनको बुलाया था। इसी के सापेक्ष आज हमको भी यहाँ पे महिला दिवस के में बुलाया गया था। हम लोग बेसिकली हरदोई के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई, वहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं। वहाँ से चल के यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ये आपको मिला किस लिए है? आप क्या ऐसे समाज में ऐसा कौन सा कार्य करते थे जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कृत किया गया है? मैम, हमारे द्वारा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवाया जाता है। सड़क के किनारे पड़े रहने वाले मानसिक विक्षिप्त भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी उठाई जाती है। और चूंकि हमारी संस्था शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति, जो कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में काम करती है, और मेरा एक मिशन आत्म संतुष्टि चलता है, ये सारे जितने काम होते हैं उस मिशन के तहत हम लोग करते हैं। और अभी तक हमने 500 से ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार अपनी देखरेख के खर्चे पर कराया है। हमारी संस्था द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई जाती है। हमारी संस्था द्वारा लड़कियों की शादियों की जिम्मेदारी उठाई जाती है। इसी तरीके से हमारा पूरा मिशन उत्तर प्रदेश में काम करता है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।